प्रदेश के मऊ जिले में कोतवाली स्थित HDFC बैंक के कर्मचारियों पर रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी महिला ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वह बैंक में 25 लाख का FD कराने आई, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने FD की बजाय उन पैसों का पेंशन पॉलिसी कर दिया। इसकी जानकारी महिला को जैसे ही एक महीने बाद हुई। स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड महिला पुष्पा सिंह मामले की जानकारी मिलने के बाद बैंक पहुंच गई और इस बारे में पूछताछ की, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि जानकारी के बाद पीड़ित महिला बैंक पहुंची और हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं बैंक ने 3 दिन में 25 लाख रुपए लुटाने का वादा किया है। फिलहाल बैंक मैनेजर इस मामले में मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। 25 लाख रुपए तो संतुष्ट हो गई है। कल जो है उनका पैसे के बारे में सारी जो बातें समस्या थी कल हल कर दी। 25 लाख रुपया उनका दूसरे अकाउंट में चला गया था, दूसरे प्लान में चला गया था। वो बात हो गई है बैंक मैनेजर साहब, उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया के तहत जो है उसको पैसे को वापस कर दिया जाएगा। कौन सा बैंक है ये? HDFC बैंक। मेरी मदर इन लॉ है, इन्होंने 25 लाख रुपया जो है इस बैंक में अपना अकाउंट खोला था और उसमें अपना रिटायरमेंट का पूरा पैसा जो है जमा किया था, और उन्होंने इस ब्रांच के कर्मचारियों से कहा था कि 25 लाख रुपये 1 साल के लिए उसे फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। इन लोगों ने उसे फिक्स डिपॉजिट न करके टर्म प्लान, इंश्योरेंस प्लान है उनका, उसमें वो पैसे को डाला है, और उसमें भी वो 1 साल के लिए न करके अनलिमिटेड कर दिया उसको। वो उसमें बहुत सारा मतलब इनको कमीशन मिलने वाला और पार्टी का घाटा होने वाला। बिल्कुल बैंक का फ्रॉड नहीं, बैंक का फ्रॉड है ये, तो ग्राहकों के साथ बिल्कुल चीट किया इन्होंने। और अगर आपके हमारे नाम पे इन्होंने मिल गया, मैं इनसे आगे जानकारी करना चाहा तो इन्होंने कहा कि मैं आकर के यहाँ पे इनके ऊपर दबाव बना रहा हूँ, मैं बीजेपी का महामंत्री हूँ। अरे भाई, मैं बीजेपी का महामंत्री जरूर हूँ, लेकिन मेरा अकाउंट मेरा बीजेपी का महामंत्री होने के नाते मुझे पैसा थोड़ी नहीं मिलता है। पैसा जो मेरा है, मेरे बच्चों का फीस जो जमा होगा या जो कुछ होगा, मेरे पैसे से होगा ना। बीजेपी महामंत्री नाते मैं दलाली थोड़ी नहीं करता हूँ ना, इनसे मैं पैसा मांगने आया था। मेरा पैसा 25 लाख रुपया मेरे परिवार का पैसा है, वो पैसा मुझे मिलना चाहिए। ऐसा है कि मैं रिटायरमेंट हुए, पुष्पा सिंह मेरा नाम है, स्वास्थ्य विभाग में HP है, और हमारा फंड मिला। हम 25 लाख लेकर बैंक में आए, खाता खुलवाए, उसके बाद हम FD करने के लिए कहे 1 साल के लिए। हमारा पैसा दूसरे प्लान में डाल दिया गया, हमको बताया भी नहीं गया, उसमें भी RD भी खोल दिया गया। हमसे बार बार 15,000 2 बार जमा कराया गया। हमको ये नहीं बताई कि RD है या पैसा इतना है। हम आए तो पूछे कि क्यों इतना एक माह पर क्यों इतना हमारा पैसा ब्याज आया है, तब 13,590 रुपये आया। हम पूछे कि क्यों, अब उसमें RD हम पासबुक छपवाए, जब घर ले गए तो देखे तो उसमें RD भी खुला है, वो भी पैसा हमको जोड़ रही कि ये भी आपको जुट जाएगा, उसमें 14,000 हो जाएगा। बताइए, हमको बहुत से फ्रॉड किया गया, हमारा सारा पैसा सबकी मिली भगत से हुआ होगा। बैंक में हम आए हैं, क्या जानते हैं कि कौन कैसा।